वेलकम टू ज्योति की व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई विश आप सब लोग भी अच्छे हों, स्वस्थ हों और एकदम मस्त हों। तो गाइज, आज है अष्टमी का दिन, कन्या पूजन कंजकों का दिन है। तो मैं और मम्मी मिलकर नहा धोकर सुबह प्रसाद बना रहे हैं, छोले हलवा और पूड़ी। तो यहाँ मम्मी मेरे छोले हलवा बन गए थे और मम्मी पूड़ी कह रही थी मैं बैठ के बेल देती हूँ। एक्चुअली वो पैर में दुखता है तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बेल दो और मैं तल लूँगी। तो यहाँ मम्मी बेल रही हैं पूड़ी, रिदम मुझे पकड़ा रही थी और मैं सब पूड़ी तल लूँगी और इसके बाद हम रेडी हो जाएंगे। मतलब जिस कपड़े चेंज करने हैं, नहा धो तो हम सुबह ही लिए थे, तो कपड़े चेंज करके हम लोग करेंगे अपना पूजन स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ तैयार होकर मंदिर में। तो यहाँ से हम उठाएंगे अपनी खेतरी और जो हम लोग लोटा रखते हैं, गणेश जी बिठाते हैं वो, और मेरी अखंड ज्योत को तो हम यहाँ से अभी नहीं उठा सकते, हम इसको मंदिर के अंदर कर देंगे क्योंकि आज अभी पहले कन्या पूजन हो जाए और जब तक इसमें जो घी रहता है वो ज्योत जलती है, अष्टमी नवमी तक जब भी जलेगी। और उसके बाद बस हम लोगों ने कर दिया था अपना पूजन स्टार्ट। एक्चुअली हम लोग हॉल में मंदिर बनाएंगे जहाँ पे हम कन्या पूजेंगे, तो ये जोत भी मैंने अंदर रख दी है मंदिर में, तो ये आराम से जलती रहेगी। और यहाँ बना लिया है मैंने टेबल पे एक छोटा सा मंदिर अपना माता रानी के सामने, और हमारी खेतरी ने बहुत बहुत सुंदर दर्शन दिए हैं। आप लोग भी दर्शन करिए। जय माता दी। गाइज, यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा की तैयारी। मैंने पूरी जोत वगैरह सब लगा ली है। अब ये रंजन ने नारियल तोड़ दिया था तो मैं उसको छोटा छोटा सा काट लूंगी क्योंकि वो भी हलवा पूड़ी छोले के साथ देते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी अमायरा का वेट भी, अमायरा भी नहीं आई है और रंजन और क्रिश गए हैं बाकी कन्याओं को लेने। तब तक मैंने सोचा जो भी कन्याओं के लिए गिफ्ट लाए हैं वो लगा देते हैं, कुछ कुछ छोटा छोटा उनका खाने पीने का सामान जो बच्चे खुश होके खा लेते हैं, तो हम वो ही लाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं। और बस उसके थोड़ी ही देर बाद कन्या आ गई थी, मुझे लगा था उनको वेट नहीं करना पड़े, जैसे ही आएंगी, आज के दिन वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं कन्याएं, तो इसीलिए मैं पूरी तैयारी कर लूँगी कन्या आने से पहले। और बस अब हम मिलके सब लोग, पूजा की तैयारी भी हो गई है, ये हो गया है, और इसके बाद जब कन्या आएंगी तो हम जोत जलाएंगे। तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी थोड़ा कि मेरी अमायरा भी आ जाए, तो मिलकर बस अमायरा आने ही वाली थी, उनका फोन आ गया था, वो घर से निकल गए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आरती कर लेती हूँ। तो हम लोगों ने जोत जला ली थी और अब हम लोग मिलके कर लेंगे आरती। यहाँ हो गई थी मेरी पूजा कंप्लीट, जो जला ली, आरती कर ली, अब कन्याओं के सबके पैर धो दिए हैं, सबको यहाँ बिठा दिया है और अब मैं लगा दूंगी इन लोगों को खाना, मतलब जो प्रसाद हम देते हैं, तो इसलिए मैं सबको प्लेट्स लगा रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों को मैंने बांट दिया था हलवा छोले पूड़ी, जैसे हम लोग देते हैं प्रसाद के रूप में जो, और मैंने बच्चों को कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा बच्चों खा लो, लेकिन बच्चे क्या बहुत जगह पे जाते हैं आज के दिन, तो बोल रहे थे कि आंटी मन नहीं है, लेकिन मैंने कहा बेटा आप थोड़ा थोड़ा सा, चाहे एक एक दाना खाओ, थोड़ा सा हलवा चखो, मतलब भोग लगा के ही जाना घर से। तो बस बच्चों को दे दिया था प्रसाद और रंजन और क्रिश मिलकर गिफ्ट्स और वो जो रोली मोली बांधते हैं वो कर रहे थे। और इसके बाद गाइस, हम लोगों में ऐसा बोलते हैं कि जब कन्याएं आती हैं, खा लेती खाना वाना खा लेती हैं, जाते समय उनसे थापड़ा लेते हैं, मतलब जो भी घर के लोग होते हैं वो माथा टेकते हैं, फिर सब कन्याएं मिलकर ऐसे आशीर्वाद देती हैं अपना। तो देखिए क्रिश भी दे रहा है क्योंकि क्रिश को बड़ा मजा आता है ऐसे करने में। तो रंजन ने माथा टेक लिया, फिर एक एक करके हम सब लोग माथा टेकेंगे और सारी कंजकों से आशीर्वाद लेंगे। माता रानी हर साल ऐसे ही रहे, घर में रौनक रहे, आप हमारे यहाँ आते रहें
और बस सुख शांति बनी रहे। तो गाइज यहाँ हो गया था हमारा कन्या पूजन कंप्लीट। हमने बहुत ही अच्छे से शांति से श्रद्धा से किया माता रानी स्वीकार करना, बहुत मजा आया। और उसके बाद निकल गए थे हम शाम को 8 बजे के करीब, हमें जाना था जागरण पे सेम डे अष्टमी वाले दिन ही। तो हम लोग निकल गए हैं घर के सब लोग रेडी होके जागरण के लिए, सॉरी चौकी के लिए, माता की चौकी है। तो चलिए आपको वहीं चल के मिलते हैं। तो गाइज अब हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी की चौकी पे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ आकर इतनी खुश हुई क्योंकि क्योंकि माता की चौकी थी तो खुशी तो थी, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पे हरबंस बंसी जी अंकल आए हैं चौकी के लिए, जो कि मेरे बहुत बहुत फेवरेट हैं। मैंने आज तक इनको कैसेट्स में, टीवी में और यूट्यूब्स पे ही सुना है, कभी ऐसे लाइव नहीं सुना है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, ये अंकल बैठे हैं और अभी तो उनके बेटे गा रहे हैं आशीष बंसी जी, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन बंसी अंकल को तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेरा मतलब एक सपना था कि मैं इनको ऐसे लाइव सुनूं, और बाई चांस पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था आज कि मेरे नवरात्रों के व्रत सफल हो गए, आज कि मैं अष्टमी वाले दिन यहाँ आई और मैंने इनको गाते हुए सुना। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स गाइस, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। तो आप लोग भी सुनिए इनको, इंजॉय करिए, मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया। और गाइज यहाँ पे हमारी अमायरा भी इतना एंजॉय कर रही थी। एक्चुअली मेरे फादर भी जागरण करते थे, और होता है ना कि आपके खून में ही होता है ये चीजें। और अमायरा ने अपने दादू को तो नहीं देखा है गाते हुए, नहीं सुना है कभी, लेकिन वो जागरण इतना एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। और यहाँ आ गए थे भोलेनाथ की झांकी, जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, एकदम यूनिक लगी। मैंने ऐसे वाली झांकी कभी नहीं देखी थी, जो इनका शायद रुद्र अवतार है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा था इनका नृत्य, और जो भी इन लोगों ने किया बहुत अच्छा लगा। तो अब आप लोग भी इंजॉय करिए। शंकर शंभु महाकाल शंकर शंभु जटा शंकर शंभु महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जोगे नाम शंकर घर पे उसके चांद शंकर हाल के है
तो गाइज अभी गा रहे हैं आशीष बंसी जी, तो आप लोग उनको सुनिए। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अंकल स्टेज पे, और मैं तो आ गई थी बिल्कुल स्टेज के पास उनको सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, किसी और ने फरमाइश कर दी थी, पहली भेंट ही उन्होंने छैनों के साथ सुना दी, तो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, दिन बन गया। तो बस अब आप इंजॉय करिए, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, मुझे सिर्फ इनको सुनना है। तो गाइस हो गई थी चौंकी संपन्न, और फिर हम सब लोग मिलके गए थे बंसी अंकल को मिलने के लिए। एक्चुअली वो तो हमें नहीं पहचान पाए, लेकिन हमने पापा का नाम लिया तो वो हमसे इतने अच्छे से मिले। उन्होंने बताया कि मुझे गाने वालों में सबसे ज्यादा बब्बू पसंद था, और बहुत सारी बातें की हमने, बहुत अच्छा लगा। मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई वो मोमेंट, लेकिन हमने कुछ फोटोज क्लिक करी उनके साथ, और एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये फीलिंग्स, जितनी खुशी हुई। अब पापा का नाम लेके जब कोई मिलता है तो वो बात ही अलग होती है। तो गाइस बस क्रिश भी मिला कि आप मेरे नानू के फ्रेंड हो, तो बस हम सब लोग मिले, और यही था मेरा आज का व्लॉग। और मुझे ये व्लॉग बनाने में जितनी खुशी हुई है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना।